समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी सरल हृदय हसमुख शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार श्री वीसी जैन वकील चंद जैन जी फर्म वीसी जैन एंड सन। आप दालों कैटल फीड एवं चावल के थोक विक्रेता हैं। आपकी फर्म सन 1986 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको जैन रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे शख्सियत से ऐसे व्यक्ति से मैं साक्षात कर रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ आपसे कि ऐसा व्यक्ति जिनको मैंने 1966 से देखता आ रहा हूँ, वो व्यक्ति सर्वप्रथम रूही मंडी में शीतल प्रसाद वकील चंद के नाम से फर्म चलती थी। उस समय मैं रूही मंडी जाया करता था, उस टाइम मेरा बचपन का जीवन था, ये भी बचपन की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, तो दोनों का हमारा उस टाइम मिलान हुआ, तब से हमारा मिलना अभी तक चलता आ रहा है। आज भी जब मैं अभिनंदन का या साक्षात्कार का या आभार प्रकट का जो कार्यक्रम मेरे बाजार में चल रहा है उस वक्त करते हुए जब इनके तरफ पहुंचा, इनको देखते ही हरे हो गए। अरे हनुमान जी, कहाँ हो, कैसे हो, क्या हाल है? अरे मैं के लाला, आप कैसे? उस व्यक्ति का परिचय मैं करवा रहा हूँ। उस व्यक्ति का नाम है श्री वकील चंद जैन, जिनकी फर्म का नाम शीतल प्रसाद वकील चंद रूही मंडी पड़ता था। उसके बाद शक्ति ट्रेडिंग कंपनी करके नया बाजार में आए, उसके बाद वीसी जैन एंड कंपनी लाहौरी के नया बाजार में अब चावल का, दालों का, चीनी का, पता नहीं कितना कितना व्यापार इन्होंने किया है, जितने भी दाम गिनाओ उतना कम पड़ता है। ऐसे सज्जन पुरुष इनके भाई मोतीलाल जी, जगदीश प्रसाद जी, इनसे मेरी मेरा विशेष संपर्क रहा है। ऐसे व्यक्ति साक्षात करवा रहा हूँ और कर रहा हूँ। आपने इनके बुखार में से सुनने से आपको अच्छा लगेगा ये कैसे बढ़े, कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो मेरे साथ कैसे इनका संपर्क रहा, और डिजिटल डायरेक्टिव का क्या योगदान है और क्या इनका विचार है, इनके बुखार में से सुनने की कृपा करें। वकील जी साहब, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जय जीरन जी, क्या हाल चाल? ठीक है जी। और कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप बताओ। मैं आपसे जो है वो साल बाद मिल रहा हूँ। आप बताओ। बड़ी जोशील से आप मिल रहे हो, वही चेहरे पे खुशी है, वही सारा कुछ है। आप अपने बारे में बताइए, इतने साल कैसे, क्या कहा, कैसे है? हनुमान जी, मैं 1916 में 1961 में रूही मंडी में एक ऑफिस खोला था, दुकान खोली, वहाँ पे मेरे बड़े भाई शीत प्रसाद जी और मैं दोनों बैठे थे। नाम पड़ता था शीत प्रसाद वकील चंद जैन। अच्छा। तो 66 में आपसे संपर्क हुआ, काम था सारा अनाज का, अनाज का, भारत का, कमीशन का। उस टाइम बहुत ऐसा 10 रुपये क्विंटल गेहूँ थे, 15 रुपये क्विंटल गेहूँ थे, 20 रुपये, 40 रुपये क्विंटल गेहूँ थे सिर्फ। उस टाइम थोड़ी रकम में काम होता था, चलते रहे वहाँ से। उसके बाद मैं आया नया बाजार में, 1981 में आके शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ऑफिस यहाँ लॉरी गेट चौक पे लिया। उसमें 4 पार्टनर थे, सुकुमार जैन, मैं, विनय जैन और एक वो पप्पी सोना ट्रेडिंग कंपनी वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 पार्टनर थे। उसके बाद जो है 85 के बाद सब अलग अलग हो गए। मैं नई दुकान ले ली, यहाँ मैं 5 साल रहा, 90 में यहाँ आ गया। 90 में वीसी जैन कंपनी से? हाँ, 86 में। 86 में यहाँ कर लिया। 9 जुलाई 1986 को वीसी जैन एंड के नाम से ये मैंने काम कर लिया, और आज वो 33-34 साल हो गए। 33-34 साल जो कि इसी दुकान पे ही चल रहा हूँ मैं। काम मेरा सारा अनाज का है, धान भी है, चावल भी है, दालें भी आ जाती कभी, और कैटल फीड का भी काम होता है। काम बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया। वकील साहब, आपका व्यवहार में कोई फर्क नहीं है? भी वही चीज है व्यवहार। आज भी लोगों से जिससे मेरा कांटेक्ट है, आज भी मेरे साथ से जो 1961 में मेरे साथ जुड़े थे, आज भी वही जुड़े हुए हैं। कई आदमी ऐसे हैं जिनकी शक्ल मैंने आज से देखी, और व्यापार बाकायदा करोड़ों रुपये व्यापार चलता था, आज तक शक्ल नहीं देखी दूसरे की, खाली टेलीफोन पे। अब आज डिजिटल का भी ला रहे हो? हाँ, जो डायरेक्टरी आप ला रहे हो
वो बहुत बढ़िया कदम है। पहले तो छापते थे, अब डिजिटल डिजिटल की मोबाइल में रहेगी, जब मर्जी खोल देख लिया। तो ये इतनी अच्छी है, ये टाइम ही इस तरह का डिजिटल का आ गया। अब कोई भी काम होगा बिना कागजी कार्रवाई कौन रखेगा, कौन रखेगा, हर एक चीज़ कंप्यूटराइज होगी। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो इस काम को, और ये भगवान से यही बात है आप इसका अच्छी तरह से विमोचन करें और अच्छी तरह से इसको कामयाबी दें। मेरे फंक्शन करने का भावना है विशी साहब, और मैं चाहता हूँ रिश्तों का काम भी जैन समाज का आगे से आगे रहूँ, ऐसी मेरी भावना है। मैं किसी का कोई भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मैंने अपने जीवन में इस तरह से काम किया है, बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल किसी जरा भी कोई भी हेरा फेरे काम नहीं किया। राज से तरक्की तरक्की है मुझे, बहुत भगवान ने मुझे कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। ऋषि जैन साहब अब आगे लड़े के आप ही करूँगा कि समाज में आप आ गया है, और मैं पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि आप मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत।